दोस्तों अभी हम बात करेंगे बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेला जाएगा। अब ये मैच दोस्तों कल सुबह 5:10 पे खेला जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये गेम दोस्तों रीशेड्यूल्ड गेम है, ठीक है, यानी कि ये 39th गेम है बिग बैश लीग का, जो कि कोविड के कारण कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब ये मैच कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा, 5:10 पे दोस्तों। अब इस वाले मैच में ना क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम, सारा कुछ इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे ना एंड तक बने रहना। और अगर आप दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड वहाँ पर पहला लिंक आपको हमारे टेलीग्राम का मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम यूज़ करते हैं ना, वो लोग टेलीग्राम पे सिंपली सर्च कीजिए @UDCRA। ये दोस्तों चैनल का यूज़र नेम है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 91,000 के आसपास चैनल वाला आपको नज़र आ जाएगा, हमारा ऑफिशियल चैनल, ठीक है, जिसका सब्सक्राइबर 91,000 के आसपास है। केवल यही वाले चैनल आपको ज्वाइन करना है, बाकी किसी भी फेक चैनल पे ज्वाइन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ 556 सब्सक्राइबर, 2950, ये सब फेक है दोस्तों। ये हमारे दो ऑफिशियल चैनल जो कि कबड्डी का है और एक क्रिकेट का है, ठीक है। तो सिंपली इसे ओपन करेंगे, सब्सक्राइबर आपको यहाँ से दिख जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों सबसे सिंपल तरीका फॉलो कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे मेलबर्न स्टार की बात करें ना, दो बड़े अपडेट है दोस्तों इनके साइड से। फिलहाल स्ट्राइकर्स के साइड से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ठीक है। सबसे पहले ओपन करेंगे दोस्तों स्टार्स के साइड से जो अपडेट है ना, वो आपके लिए जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की, शुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। अब दोस्तों यहाँ पे ना विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, जॉ क्लर्के का, ठीक है। लास्ट गेम की बात करें इनकी, 10 रन बना के आ रहा है। ओवरऑल अगर इनका देखें तो दोस्तों लास्ट के 3 गेम्स में बढ़िया कर रहे हैं, 2 बारी एवरेज पॉइंट्स दिए हैं एंड 1 बारी दोस्तों CVC के लायक, ठीक है। बाकी दोस्तों बीच बीच में इनकी परफॉर्मेंस रहती है, कंटिन्यूसली नहीं है, बाकी यहाँ पे लास्ट के 3 गेम्स में सही है दोस्तों, ठीक है। प्लस विकेट कीपिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे, तो स्मॉल लीग के लिए बढ़िया पिक रहेंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से जो कि ट्राई करने लायक हो। बाकी दोस्तों क्लर्के के साथ ओपन करेंगे अपना जो कि लास्ट गेम में किए थे मैक्सवेल, ठीक है। 87% लोग इनके साथ जा रहे हैं दोस्तों। अगर इनके लास्ट गेम की बात करें तो 68 रन की पारी खेली थी, अगर आपने फॉलो किया होगा लास्ट गेम इनका, ठीक है। ओवरऑल अगर इनका देखें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बढ़िया था, बट कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराएंगे, ठीक है। अब लास्ट के गेम में तो बॉलिंग नहीं कराए थे, बट दोस्तों बॉलिंग भी करा लेते हैं, है ना। एंड लास्ट के गेम आप देखें 68 रन की पारी खेली थी, ऑप्शन बढ़िया रहेगा दोस्तों, मैक्सिको कौन छोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वेबस्टर जो कि 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे, है ना। अब लास्ट गेम इनके अगर बात करें अब तो दोस्तों ज़हीर खान की बॉलिंग से आउट हो गया था 0 पे, ठीक है। ओवरऑल अगर इनका देखें, क्या वेबस्टर को हमें स्मॉल लीग की टीम में रखना चाहिए, माइंड लगाइए दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ना, जैसे कि मैं अधिकतर वीडियोस पे बोलता हूँ कि जो प्लेयर 1 डाउन पे बैटिंग करता है ना, उसके साथ आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि बैटिंग करने के काफ़ी ज़्यादा चांस मिलते हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप वेबस्टर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 33% लोग ही इन्हें ट्राई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से स्मॉली के लिए बढ़िया पिक हो सकते हैं ये। बाकी दोस्तों अभी मैं इनको वेटिंग में रखूँगा, इसके बाद अगले नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। कौन दोस्तों? बर्न्स दोस्तों, ठीक है, 15% लोग ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों आप इन्हें ग्रैंडलिंग में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सी वी सी वो मैं आगे चल के बताऊंगा, बट आप ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा इनको। लास्ट गेम की बात करें तो केवल 17 रन ही बना के आ रहे हैं। ओवरऑल अगर इनका देखें यहाँ पे दोस्तों 36 तो पार नहीं किए हैं आंकड़ा, बट कोई नहीं दोस्तों, ग्रैंड लीग में चाहे ना तो ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में रिस्क के ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। वेबस्टर, मैक्सवेल, क्लर्क, ये दोस्तों स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं स्मॉल लीग में किसी को सजेस्ट करूँ ना, तो वह है कॉट राइट, जो कि 2 डाउन पे बैटिंग करते आपको नजर आएंगे। लास्ट वाले गेम में 12 रन की ही पारी खेली थी, कोई बात नहीं। ओवरऑल अगर इनका देखें आप, ये देखिए दोस्तों लगातार अगर आप यहाँ से देखेंगे तो, ठीक है, ये बढ़िया पिक रहेंगे दोस्तों स्मॉल लीग में। अब चाहे तो ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने प्लेयर हो गए दोस्तों? 3 प्लेयर स्टार्स के साइड से। अगले नंबर पर दोस्तों निक लैरकिन, जो कि नॉट आउट पे थे, 3 डाउन पे बैटिंग भी करेंगे, ठीक है। अब इनका अगर ओवरऑल देखें क्या कुछ करके आ रहे हैं, नहीं दोस्तों यहाँ पे ना आप इन्हें चाहें तो मिनी ग्रैंड लीग की टीम में रखिए, ठीक है, अगर आप मिनी ग्रैंड लीग खेलते हैं तो। बाकी मैं स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूँगा, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इनकी बॉलिंग लाइन है, एंड यहीं पे है दोस्तों वो दो अपडेट मेलबर्न स्टार्स के साइड की, ठीक है। वेबस्टर का मैंने बताया दोस्तों, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, 2 डाउन पे बैटिंग करेंगे, 1 डाउन पे, सॉरी 1 डाउन पे बैटिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी दो बड़े अपडेट जिनमें की है दोस्तों हैरिस रौफ एंड दोस्तों कईस अहमद, ठीक है, दोनों ही 4 ओवर करते हैं अगर इनका पिछला गेम देखे तो, और दोनों ही दोस्तों दो दो विकेट निकाल के आ रहे हैं लास्ट के गेम में, और दोस्तों दोनों अनअवेलेबल हैं अभी, ठीक है, यानी कि स्क्वाड में इनका नाम नहीं है, ठीक है। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है दोस्तों कि हैरिस श्रॉफ का नाम स्क्वाड में है या नहीं। कईस अहमद की भी बात करें दोस्तों 55%, ठीक है, थोड़े बहुत कम, यानी 56% लोगों को पता नहीं है। अगर आपने लिया होगा तो रिमूव कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ। एंड स्क्वाड अगर आप देखेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हैरिस रऊफ और अपना क्या कहते हैं कईस अहमद का, ठीक है, आपको नज़र नहीं आएंगे, तो इसलिए दोस्तों। बाकी यहाँ पे एडम जेम्पा रहेंगे, रनबर्ड का नाम है स्क्वाड में। बाकी दोस्तों अहमद धनियाल और अपना फरीदून दोस्तों डेब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वाड में इनका नाम है। बाकी फाइनल 11 जो भी होगी ना वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे फर्स्ट वहाँ से, ठीक है। जंपा की बात करें 4 ओवर किए थे लास्ट के गेम में, 2 विकेट भी निकाले। ओवरऑल अगर इनका देखें लास्ट के 3 गेम्स दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए बी काउच है दोस्तों, जो कि अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, लास्ट के गेम में भी किया था, 1 विकेट भी निकाल के आ रहे हैं, तो इन्हें आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जनता अभी कईस अहमद के साथ और अपना हैरिस रऊफ के साथ जा रही है, पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है।
आप काउच के साथ जाइए, वो दोनों तो खेलने वाले नहीं हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, हिनक्लिफ का दोस्तों स्क्वाड में इनका नाम है, तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं ना, हिनक्लिफ को ट्राई कर लेना, ठीक है? बढ़िया ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। अभी प्रीव्यू देखेंगे दोस्तों, कितने प्लेयर हो गए? 5 प्लेयर, ठीक है? ये स्टार्स के साइड से दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स स्मॉल लीग के लिए। फिल्टर लगाएंगे दोस्तों, अभी अपना क्या कहते हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स के ऊपर। अब ऑफिशियल कोई इनका स्क्वाड अभी तक नहीं आया है, जैसे ही स्क्वाड आएगा ना दोस्तों, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना आप। बाकी एडिलेड की बात करें, आज इनका मैच था। अब दोस्तों यहाँ पे ओपन करेंगे अपना क्या कहते हैं, हेनरी हंट दोस्तों, इसके अलावा मैथ्यू शॉट, ठीक है? लास्ट के गेम की इनके बात करें, जो कि आज ही हुआ था, 34 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा हेनरी हंट जो कि 27 रन बनाए थे, ठीक है? ओवरऑल इन दोनों का अगर देखा जाए, 3 गेम्स में दोस्तों एवरेज पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 गेम्स में एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट वेट दोस्तों, फ़िलहाल के लिए वेटिंग। जो कंफर्म पिक है ना, उन्हें पहले रखेंगे, जैसे मैथ्यू शॉट, ठीक है? अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना? CVC ट्राई करें या ना करें, लेकिन प्लेयर को रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगले नंबर पे, जो कि वन डाउन पे बैटिंग करेंगे, और उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? कॉकबिन को, कॉकबिन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि लास्ट के गेम में 35 रन का स्कोर करके आ रहे हैं। ओवरऑल एक बार चेक करें, एक ही गेम में दोस्तों बढ़िया किया, ट्राई कर सकते हैं। स्क्वाड तो अभी आया नहीं है दोस्तों, सॉरी मैं स्क्वाड बोलने वाला था, ठीक है? खेलते हैं तो ट्राई कर लेना। बाकी दोस्तों वेल्स और वेदरलैंड दोनों ही दोस्तों फ्लॉप रहे आज के मैच में। दोनों का कंपेयर करें, अब यहाँ पे वेदरलैंड का देख सकते हैं दोस्तों, वेल्स आई थिंक एक बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि 2 डाउन पे बैटिंग करेंगे, ठीक है? इनके बाद जैक वेदरलैंड की बैटिंग आएगी, तो यहाँ से वेल्स मेरे हिसाब से ना एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। वेदरलैंड को आप एज अ मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद दोस्तों थॉमस केली दोस्तों लास्ट के गेम में तो कुछ बढ़िया करके नहीं आ रहे हैं, बट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली एवरेज से ज़्यादा पॉइंट्स दिए। इसके अलावा यहाँ पे बढ़िया किया था लास्ट के गेम में भी दोस्तों, बट उतना कुछ खास नहीं, ठीक है? तो स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की ऑप्शन है, बट दोस्तों आप चाहें ना तो इन्हें मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, बढ़िया पिक रहेंगे। चल गए तो दोस्तों वन साइडेड विन करेंगे, ठीक है? अब काफ़ी कम लोग इनके साथ जा रहे हैं, मेन चीज़ ये मैटर करती है। अब इसके बाद इनकी बॉलिंग की अगर बात करें, जिसमें कि दोस्तों अब राशिद खान का मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, है ना, ये खेलेंगे या नहीं, बट दोस्तों अभी के लिए इनको इग्नोर करेंगे। पीटर सिडल हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि 4 ओवर किए थे लास्ट के गेम में, 2 विकेट भी लेके गए। ओवरऑल अगर देखें इनका, अब बढ़िया दोस्तों, CVC भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? चल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से, वरना नहीं तो दोस्तों कुछ 50-60 पॉइंट देंगे, है ना? प्राइम कैटेगरी में रखेंगे पीटर सिडल। फवाद अहमद दोस्तों लास्ट गेम अगर इनका फॉलो किया होगा ना, तो आपको पता होगा, है ना? काफ़ी लोग को नहीं पता, इसलिए सिर्फ 26% लोग ही इनके साथ जा रहे हैं। 4 ओवर किए थे बंदे ने, 3 विकेट लेके गए, ठीक है? जिन्होंने भी ग्राइंडिंग में ट्राई किया होगा दोस्तों,
उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा दोस्तों, फवाद अहमद का है ना, बाकी मैंने बताया लास्ट के गेम में 3 विकेट लेके आ रहे हैं। बाकी दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी है थॉर्नटन का, जो कि अपने ओवर पूरे करेंगे, ठीक है, 2 विकेट भी निकाल के गए थे लास्ट के गेम में। ये एक उभरता नाम है दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए, लास्ट के 2 गेम्स में परफॉर्मेंस तगड़ी रही है, ठीक है, तो इन्हें मैं रखूँगा अपनी प्राइम कैटेगरी में। कॉनवे है दोस्तों यहाँ से, लास्ट के गेम की इनके बात करें, ओवर्स तो पूरे किए थे नो डाउट, पर दोस्तों विकेट्स एक भी नहीं मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनके स्टार्ट देख लीजिएगा, ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रीव्यू देखेंगे दोस्तों, अब कमी कहाँ पे है, विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों, तो हम हेनरी नेल्सन को ले सकते हैं। इसके अलावा बैटिंग से थॉमस कैली, ऑलराउंडर से तो नहीं दोस्तों, या फिर बॉलिंग से दोस्तों वॉरेल या तो फवाद अहमद, ठीक है, किसे ट्राई करेंगे दोस्तों कमेंट करके बताना एक बार। अब दोस्तों आज मेरा मूड है ना, मैं थोड़ी सी रिस्की टीम बनाऊं, एक प्लेयर मैं सबसे अलग लेने वाला हूं, ठीक है, जिनमें कि दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वेबस्टर दोस्तों मैं इन्हें ट्राई करूंगा, बाकी बात करें सीवीसी की है ना, सीवीसी आप किसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कैप्टन, अब सब लोग तो मैथ्यू शॉर्ट को ही बनाएंगे, डिज़र्व भी करते हैं दोस्तों, ठीक है, आप इन्हें भी बना सकते हैं नो डाउट, बट इसके अलावा ये तो ऑप्शन है ही है आपके पास डिफ़ॉल्ट है ना, कोई ऑप्शन ना मिले तो मैथ्यू शॉर्ट को बना लो। बट इसके अलावा दोस्तों मैं और भी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अब जिसमें कि आपका नाम आता है यहाँ पे, अगर आप देखें ना क्लर्क का आता है, ठीक है, वेबस्टर जो कि वन डाउन पे बैटिंग करेंगे यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है, काउच के साथ रिस्क ले सकते हो, ये रिस्की ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कॉट राइट के साथ ले सकते हो, जे वेल्स के साथ। सेफ अगर जाना चाहें तो मैथ्यू शॉर्ट है दोस्तों आपके पास, पीटर सीडल हैं आपके पास, ग्लेन मैक्सवेल हैं आपके पास, अगर सेफ जाना चाहे तो, बट मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, काउच को मैं कैप्टन बना के मैथ्यू शॉर्ट को ना मैं वीसी बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम, ठीक है, बाकी मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, आप शॉर्ट के साथ मैक्सवेल ट्राई कीजिए, पीटर सीडल ट्राई कीजिए, अगर तो रिस्क लेना चाहते हो तो क्लर्के को रखिए, वेबस्टर को रखिए, काउच को रखिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। बाकी अभी ग्रैंडली की टीम बनानी बाकी है, ग्रैंडली की टीम में मैं किसे ट्राई करूँगा, क्लर्के दोस्तों, नेल्सन, इसके अलावा आपको बना के दिखाता हूँ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मेरी ग्रैंडली की टीम आप देख सकते हैं, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ना दोस्तों मैक्सवेल, इसके अलावा हाँ दोस्तों मैक्सवेल का मैंने बताया, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल और एडम जेम्पा, ठीक है, मैक्सवेल दोस्तों ओपनिंग करेंगे, जेम्पा 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, ठीक है, इस हिसाब से मैंने टीम क्रिएट की हुई है, यहाँ पे टीम सेव कर लीजिए, ठीक है, बाकी प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, टीम को सबसे पहले सेव करते हैं दोस्तों। ये हेड टू हेड की टीम दोस्तों, स्मॉल लीग में यूज़ कर सकते हैं इस टीम को, और ये दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम, ठीक है, बाकी वीडियो को यही पेंट करेंगे दोस्तों, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।